गाइस, मैं कार्तिक चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल पे एक और नया ब्लॉग। तो भाई आज है ना, बहुत महंगे आदमी के साथ में है ना, बहुत महंगी जगह पे जा रहे हैं। ये महंगा आदमी इस समय कॉल कर रहा है, पता नहीं किसको कर रहा है, बट आप देख सकते हो इसके पास आईफोन है। तो अभी सीन ऐसा है कि हम लोग खड़े हैं मीरा रोड स्टेशन पे एंड ट्रेन का वेट है, नेरल जा रहे हैं डी वाई पाटिल स्टेडियम, चेन्नई वर्सेस हैदराबाद का मैच देखने। तो अभी देखना ये है कि भाई जो 1200 की टिकट है, ठीक है, अगर मैच एक्साइटिंग नहीं हुआ ना तो ऐसा फील होगा कि भाई तवे पे सिकने के लिए हमने 1200 रुपए दिए थे। बट चलो अभी जाके देखते हैं, आई एम प्रीटी श्योर मैच एक्साइटिंग ही होगा। और चलो बाकी अभी जर्नी शुरू करते हैं। शर्ट की तो खैर स्लिप भी खराब हो ही गई, वो तो बेस्ट शर्ट टाइप भी हो गई, अभी देखते हैं। तो भाई फाइनली नेरल पहुंच गए, अभी यहाँ से वंडर्स पार्क जाएंगे, टिकट कलेक्ट करेंगे। बहुत ही अजीब सा सिस्टम लगा, मतलब ऑनलाइन बुकिंग की है तो भाई क्यूआर कोड स्कैन करके अंदर जाने देना चाहिए, बट बुक माय शो बोलता है नहीं, तो जा क्यूआर कोड जाके पहले काउंटर पे दिखाओ, वहाँ से टिकट लो और फिर अंदर जाओ, मतलब क्या ही है यार। बट चलो देखते हैं, देखो सामने भी अगर दिख रहा होगा सीएसके की जर्सी वाले भी लोग आ रहे हैं। अभी तक एक भी हैदराबाद की जर्सी पहना हुआ मेरे को दिखा नहीं है, सब सिर्फ सीएसके वाले ही है। गए हैं वंडर्स पार्क, यहाँ पे बुक माय शो का टेंट लगा है, यहाँ पे बुकिंग का ईमेल दिखा के हमें प्रॉपर टिकट्स दी जाएंगी। और टिकट्स के मिलते ही धूप का शहर यहाँ तभी बस टिकट्स मिलेगी, फिर यहाँ पे जर्सी वगैरह भी मिल रही है, मैं देखते अभी अगर बजट में रही तो जर्सी फ्लैग्स ले लेंगे। और बाकी तो खैर यहाँ पे फिक्स्चर्स लगे हुए, कौन सी टीम क्या टीम, होम टीम कौन सी है, आज अपना क्या है, आज है 9 तारीख ना, तो आज 9 तारीख की अपनी होम टीम चेन्नई की है। तो चलो देखते हैं, धूप बहुत है यार कसम से, अगर आज का मैच ऊपर नीचे का रहा ना मज़ा नहीं आया, तो बाकायदा ऐसा लगा 1300 रुपये सिर्फ सीखने के दिए। यहाँ पे भी सीन ऐसा ही है, विजय मिश्रा ब्लॉग्स, ये आदमी ब्लॉग्स कब डालेगा मुझे नहीं पता, बट देखते हैं। तो अभी यहाँ पे सीन कैसा है ना, जो जर्सी ये यहाँ दे रहे वो 400 की है एंड जो झंडा मिल रहा है वो 100 का, और कैप 120, मतलब आई डोंट नो यार, इट्स लाइक आप फैन हो तो भाई आप खर्चा कर सकते हो, और अगर आप हमारे जैसे हो तो जो है यही है, अब क्या करें। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग, अभी गेट नंबर 4 है हमारा, ये रहा टिकट, तो अभी बस जाएंगे ऊपर और मैच का मज़ा लेते हैं। 3 बजे टॉस होगा, उसके तो पहले ही पहुंच गए, लेट्स सी। सो गाइस अभी टॉस होगा थोड़ी देर में, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। अभी क्या हुआ मालूम है, हम लोग आ रहे थे ना तो ये पुरानी कैप मिल रही थी बाहर, तो बकायदा गेट पे एंट्री के ही पहले उन लोगों ने वीवो के ऊपर ये टेप वगैरह लगाया, बिकॉज टाटा ये बार का आईपीएल स्पॉन्सर है, ये आई डोंट नो इसको माइक्रो मैनेजमेंट बोले क्या बोले, बट ये अच्छा लगा, दे वर अवेयर कि भाई एंड आई थिंक पावर ऑफ ब्रांडिंग। वहाँ पे सामने आई थिंक ये है, ये देखो डी वाई पाटिल स्टेडियम, यहाँ नीचे अपने सारे प्लेयर्स, और अपने को अच्छा ये है ना कि अपने को ऊपर ऐसे छाव में बैठने मिल रहा है, तो क्या दिक्कत, वरना मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई अगर नीचे धूप वाला आ गया ना तो फिर बात टच रहेगी, बट चलो थैंकफुली वो इशू नहीं है। भाई बस मैच शुरू करते हैं, लेट्स सी। हम भी, मैं मेरा फ्रेंड, हम लोग तो होप कर रहे हैं कि भाई सीएसके की पहली बैटिंग है और वो लोग ऐसा कितना 300 350 ना 200 भी बन जाए, ठीक है। तो अभी दोनों कैप्टन आ गए टॉस के लिए, मैच के दोनों कप्तान उतर चुके हैं पिच पर, रविंद्र जडेजा और ब्रेंडन विल्सन, अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द चैंपियंस टीम आर
CSK। कुछ भी बोलो भाई, स्टेडियम में बैठ के है ना यही सेम चीजें देखने का मजा ही अलग है। तो भाई अभी वॉशिंगटन सुंदर आया है बॉलिंग पे एंड आई थिंक क्रीज पे अभी है रॉबिन उथप्पा, मतलब स्ट्राइकर सेंड पे। यार स्वीप मार देना यार, अपने पास आएगा बॉल एटलीस्ट, अपनी तरफ अपने पास ही आना चाहिए सिक्स। यार मार ले यार, मैदान पूरा भर गया है, मतलब ये वाला तो बहुत खतरनाक भर हो गया। चलो चल 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 चल। चलो कोई बात नहीं, क्या करेंगे। पहली इनिंग्स हो गई है ख़त्म, 154 बना ये लोग ने, 7 विकेट लेके। तो यार हम धोनी चिल्ला रहे थे बट धोनी भाई 3 रन पे ही कुछ आउट हो गए, बट चलो कोई बात नहीं, अभी कीपिंग बाकी है तो वी आर पॉजिटिव। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही क्योंकि वहाँ पे लाउड स्पीकर्स बहुत मजबूत क्वालिटी के बज रहे हैं। यहाँ पे वैसे हम लोगों ने अभी तक ना एक समोसे का पैकेट लिया जिसमें 2 समोसा दिए इन्होंने और वो हम लोग पड़ा कुछ 70 रुपीज़ में। मतलब वैसे देखा जाए तो PVR के थिएटर्स में 120 रुपये के 2 समोसे मिलते हैं, तो हमें फिर भी सिर्फ 70 रुपये में मिला। बाकी यहाँ पे सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा मेडिकल कियोस्क भी बना रखा है, वहाँ पे उस तरफ जो कोका कोला आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे पानी पीने का कवर। ये पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है स्टेडियम, बड़ा है यार। हम लोग रहेंगे यहाँ पे, ये जो जहाँ पे लोग दिख रहे हैं ना, DY पाटिल की आज की मैच की होम टीम चेन्नई है और हम लोग भी चेन्नई को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? मेरे को लग रहा है RCB जीतेगा। RCB जीतेगा? तो भाई देखो सर ने बोल दिया RCB जीतेगा, देखते हैं। कोक 50 रुपये का मिल रहा है, पानी 10 रुपये का इसमें मिल रहा है पेपर कप में। तरफ पे तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है, ये वहाँ पे भी हम लोग ने सोचा था यार यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रहा है वहाँ पे जमने, बट वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। सो दैट इज़ दैट। और अभी भाई लग तो ऐसा ही रहा है कि हैदराबाद जीतेगी ये मैच, बाकी लेट्स सी, क्या पता कोई एक ऐसा ओवर है ये 3-4 विकेट चले। सो गाइस मैच हो गया ख़त्म, CSK हार गई, हैदराबाद जीत गई। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी बैटिंग की हैदराबाद ने एंड डिजर्विंग विन था सच्ची में, बॉलिंग भी अच्छी की आई विल से एंड बैटिंग तो खैर सबने देखा ही। सो हाँ एक बंदे ने 50 भी मारी, केन विलियमसन ने भी आई गेस अराउंड 30 प्लस स्कोर किया। तो हाँ ओवरऑल बहुत ही अच्छा आज टीम एफर्ट रहा हैदराबाद का, बट कोई बात नहीं, चलो टुडे हैदराबाद वॉज अ बेटर टीम, टुमारो वी विल बी। तो यहाँ पे स्टेशन को लग के ये है पुष्पा स्नैक्स और इसका अभी हम लोगों ने वड़ा पाव ट्राई किया, वड़ा पाव बहुत सॉलिड था। अभी यहाँ से वेट होगा गोरेगांव का क्योंकि वही एक ट्रेन है जो अब मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है पता है, वहाँ से हमें रिक्शा मिल ही नहीं रहा था स्टेशन के लिए नेरल की, तो यहाँ पे चलते चलते पहुँचना पड़ा, 20 मिनट लगा हमको और उस वजह से अब खाली गोरेगांव का एक ऑप्शन अवेलेबल है। चलो ऑन दैट नोट अभी ये ब्लॉग खत्म करते। तो भाई ओवरऑल यार थकान देने वाला दिन था, इतना ही बोलूँगा कि अगर आप जिस लाइन में हो जैसे वेस्टर्न लाइन में हो और वहाँ पे कोई मैच हो रहा है और आप देखना चाहते हो तो ही जाना, हमारी तरह से दूसरे इसमें मत जाना क्योंकि अगर आपकी टीम हार गई ना यार बहुत दुख होता है।
बट यस इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फन एक्सपीरियंस नेवर द लेस एंड आई होप मैंने भी आपको स्टेडियम वाली फील दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर अब तक नहीं किया। और यार कुछ नहीं तो कम से कम 5 लोगों को ही शेयर करो। और अब मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए सफर में।